बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये है मानुका किचन और मैं हूँ मानु की मम। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो आज हम बना रहे हैं करेले, आलू और प्याज का साला। आधा किलो से थोड़े कम करेले लिए हैं, तो अब मैंने करती हूँ इनकी स्किन ऑफ, हल्के हल्के से थोड़ी थोड़ी ये सारी ऐसे ऑफ करके, तो मैं इन्हें काट के तो नमक लगा दूंगी। तो 2 घंटों तक नमक लगा के रखूंगी, हल्का सा नमक लगा दूंगी। तो उसके बाद अच्छे से वॉश करके तो फिर हम करेंगे इन्हें कुक। बिल्कुल ज़्यादा नहीं उतारना, ऊपर से हल्का हल्का उतारना है। तो अगर आप ज़्यादा उतारोगे तो फिर ये छिलका सा रह जाएगा। तो कुछ लोग तो ये इनके छिलके भी उतार के डाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। अगर आपने डालने हो तो इन्हें भी साथ ही, जैसे आप करेलों को छील काट के नमक लगाओगे तो साथ ही ये भी अलहदा से बर्तन में डाल के ना, तो उनको नमक लगा दो। तो नमक लगा दोगे तो फिर जब वॉश किए तो साथ ही वो भी वॉश कर लेना, तो फिर वो करेलों के साथ ही फ्राई होंगे छिलके भी। तो ये देखो, ये मैंने ऐसे पीस निकाली, ऐसे ही मैं सारे कर लूँगी। तो इसके बाद फिर मिलते हैं। तो ये मैंने 4 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, 300 ग्राम आलू हैं जो मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, तो 3 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने चॉप कर ली हैं, तो नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी का पाउडर 1/2 टीस्पून और कुटा हुआ धनिया 1.5 टीस्पून। तो करेले मैंने अच्छे से वॉश कर लिए थे ताकि जो मैंने नमक लगाया था वो सारा निकल जाए। तो अब हम करते हैं करेले। वो ये कढ़ाई में मैंने 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाला है, तो इसमें हम अब करेले फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम अब हमारे करेले फ्राई हो चुके हैं नियरली, तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो ये करेले मैंने निकाली है, तो अब हम इसी ऑयल में अब ओनियन फ्राई करेंगे। तो डालते हैं ओनियन इसमें। तो ये हमारा प्याज सॉफ्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करते हैं और साथ ही हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। ये भी साथ ही कुक हो जाए। यहीं पे हम कर लेंगे ऐड ये मिर्चें भी, मसाले भी। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सारे ये मसाले। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, कम ही मसालों के साथ बना रही हूँ सिंपल से। थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के बराबर पानी ऐड करूँगी।
तो अब हम इस तेल में आके जो करेले मैंने फ्राई किए थे वो भी ऐड कर देती हूँ। तो ये अब मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी और ये स्टीम पे हल्की आंच पे है तो ये आलू भी गल जाएंगे और ये करेलों का भी असर निकल आएगा, टेस्ट मिक्स हो जाएगा आलू में। बहुत मज़े के बनते हैं, आप भी बना के ट्राई कीजिए। मेरे करेले थोड़े कम रह गए, इनमें बाकी सामान ज़्यादा हो गया, आप थोड़े ज़्यादा रख सकते हैं अपनी मर्जी से, हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से। तो अब हम इसे कर देते हैं कवर। तो मेरे करेले फ्राई होने के लिए 20 मिनट लगे थे, तो ये दम पे लगाए हुए मेरे 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने मिडल में दो दफ़ा चेक किया था, तो अब हम चेक करते हैं। तो मेरा सालन रेडी है, तो अब हम इसे तो सालन हमारा रेडी है, तो अब हम इसे करते हैं डिश आउट। बहुत ही जल्दी बन जाता है, 20 मिनट करेले फ्राई होने में लगे और 20 मिनट ही बाकी सारे प्रोसीजर में लगे। तो व्यूअर, ये सालन हमारा सर्विंग के लिए रेडी है। अब हम इसे हल्का सा गार्निश कर देते हैं धनिया के साथ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।